दोस्तों पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को पिछले कुछ हफ्तों में बल्ले से संघर्ष, टीम की जगह और वेस्टइंडीज के दौरे से आराम लेने के फैसले को लेकर लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। हालांकि दोस्तों कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विराट ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए खुद आराम मांगा था। इस कड़ी में अब दिनेश कार्तिक विराट के सपोर्ट के लिए आगे आए हैं और उन्होंने विराट को सपोर्ट करते हुए कहा है कि विराट इस ब्रेक के बाद तरोताजा होकर वापस आएंगे। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ हुई एक इंटरव्यू के दौरान दिनेश कार्तिक ने कहा कि विराट कोहली विंडीज़ के खिलाफ मिली ब्रेक के बाद तरोताज़ा होकर मैदान पर लौटेंगे। साथ ही उनका ये भी मानना है कि विराट कोहली जैसी क्षमता वाले खिलाड़ी को कभी भी टीम से बाहर नहीं किया जा सकता है। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ने कहा कि विराट ने समय के साथ अपार सफलता का अनुभव किया है, अब उन्हें एक अच्छा ब्रेक मिलेगा और वो पूरी तरह से रिचार्ज होकर वापस आएंगे और उम्मीद है कि वो शानदार प्रदर्शन करेंगे। आप उनके कैलिबर के खिलाड़ी को कभी भी बाहर नहीं रख सकते हैं। दोस्तों दिनेश कार्तिक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए T20 वर्ल्ड कप के बारे में कहा कि ये कभी आसान नहीं होता है, लेकिन मैंने इससे बड़ी और इसके लिए कड़ी मेहनत की है। साथ ही आज हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ है उसे हम अगर देखें तो हमेशा कंपटीशन रहेगा, यही भारतीय क्रिकेट की खूबसूरती भी है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में दिनेश कार्तिक का खेल पाना मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि इस समय टीम के पास ऋषभ पंत और KL राहुल जैसे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। हालांकि उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उनके ऑस्ट्रेलिया जाने की संभावनाओं को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और दोस्तों ये सेलेक्टर्स के लिए भी बड़ी चुनौती साबित होने वाली है कि किस खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप के लिए मौका दिया जाए, क्योंकि दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत और KL राहुल ये तीन जो है वो लाइन में हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत और KL राहुल ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि T20 से बाहर नहीं किया जा सकता है। हाल ही में ऋषभ पंत ने शतक लगाया इंग्लैंड के खिलाफ और इसके अलावा KL राहुल को T20 फॉर्मेट से बाहर रखना बहुत एक जुर्म के समान होता है। तो यहाँ पर दिनेश कार्तिक की जगह बनेगी या फिर नहीं, ये तो दोस्तों देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों दिनेश कार्तिक को अगर टीम में शामिल किया जाता है तो दिनेश कार्तिक आपको एक स्टेबिलिटी प्रदान कर सकते हैं आपके लोअर मिडल ऑर्डर में। यहाँ पर नंबर 5 या नंबर 6 पर आकर वो ताबड़तोड़ हिटिंग भी कर सकते हैं और इसके अलावा सिचुएशन के हिसाब से पारी को संभाल भी सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। वहीं पर अगर ऋषभ पंत की बात की जाए तो ऋषभ पंत बजाय पारी को संभालने के थोड़ा सा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो चयन करता है वो क्या सोचते हैं, उनका नज़रिया क्या होता है और वो किस खिलाड़ी को चयन करते हैं। बाकी आप भी इस पर अपनी राय दे सकते हैं, क्या दिनेश कार्तिक को खिलाना चाहिए या फिर ऋषभ पंत को T20 वर्ल्ड कप में, इस पर आप अपनी राय जरूर दें और विराट कोहली के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में दो शब्द जरूर कहें। धन्यवाद।